गुड मॉर्निंग दोस्तों, भोला राज ब्लॉग शो में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं। और मैडम अभी तक उठी नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग, उठिए। सुबह सुबह गाय को निकालना पड़ता है, गाय के लिए ये घर है। और फिर इसकी सफाई वगैरह करेगी। माला है इधर, एक गोलू बाहर आ रहा है। अभी झाड़ू लगा रही है जहां जानवर लोग रहते हैं, उसकी भी रोज सफाई होती है। और सुबह के रूटीन में ये भी शामिल रहता है माला के लिए। अभी दूसरे घर से काम करके लौटी है, लकड़ी उकड़ी लेके अपना बेचारी। आज मैडम माला के साथ एक घटना घट गया। क्या हुआ जी? देखिए जी, आज लहर गया, कपड़ में जर गया। आग लग गया था? हाँ, कैसे? आग लगे, धर गया था, यहाँ ताप रहे थे, ठंडा में तापने कारण। हाँ जी। इतना जल गया, इतना जल गया, आप ना रहते थे पूरा लहर। ये आग को हम ही बुझाए दोस्तों, तो ठंड में ऐसे बच के रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम सामने थे इसीलिए देख लिए, इसे तो पता भी नहीं चल रहा था। अभी विद्यालय पहुंच चुका हूं और समय से 30 मिनट पहले हैं। तब तक थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि विद्यालय में कौन किस प्रकार के फूल लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये ध्वज के साथ फूल लगा रहता है, स्टैंड बनाया गया है और इसमें इस प्रकार का फूल है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। सामने स्टेज पर ये गुलाब की क्यारी है, इसमें तरह तरह के गुलाब हैं, अलग अलग कलर के गुलाब हैं। हालांकि कुछ गुलाब खिले हुए, कुछ नहीं हैं। सबसे प्यारे ये छोटे छोटे गुलाब हैं। ये गुलाब की क्यारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। एक वहाँ येलो वाला गुलाब है, पीला कलर का, और एक और है पिंक कलर का जो खिला भी नहीं है। और सामने और भी गुलाब है, अलग अलग कलर का, सब यूनिक कलर का है। अब देखिए इसका कलर, देखिए इसमें दो तीन कलर आपको दिखाई देगा। एक ही पौधा है और इस फूल का डिजाइन देखिए और इसका देखिए, सेम ब्रांच में आपको दिखाई देगा। ये गुलाब देखिए, हालांकि गुलाब की पंखुड़ियां झड़ी हुई हैं बहुत सारा। इस गुलाब का भी कलर यूनिक है। और ये पूरी तरह येलो नहीं है, येलो से थोड़ा सा लाइट येलो है। इतने सारे गुलाब के पौधे हैं, इसकी देखरेख विजय सर करते हैं। दोस्तों अभी टिफिन हुआ है और हम लोग सब बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये हमारे कंप्यूटर के आचार्य, टेक्निकल वाले पहचान लीजिए, ये है पंकज आचार्य जी। और साथ में दिलबहार हमारे अमित जी हैं, दिलबहार बैठ के अमित जी, जिनका गाना आप सुनेंगे हमारे चैनल पर। दोस्तों अभी लीजर पीरियड है, लीजर पीरियड में कॉफ़ी वगैरह चेक करना होता है। कुछ मिक्स कॉफ़ी होता है उसको चेक करते हैं। फिलहाल अभी मेरा थोड़ा सा पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, शायद हार्निया हो गया है, सर्जरी कराना पड़ेगा। तो अभी छुट्टी लेके देखते हैं, एक दिन जाएंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ है देखेंगे उसके बाद, क्योंकि अभी बिल्कुल असहनीय दर्द होता है। अभी मैं सोया हुआ था इस बेंच पे। दोस्तों अभी स्कूल से आए थे, थोड़ा तबीयत खराब था और यहाँ जो गेहूँ पटाने वाला था कार्यक्रम, वो गेहूँ नहीं पट पाया था क्योंकि लाइन नहीं था इस इलाके में। तो अभी जा रहे हैं, शाम का समय है और आज इसको रात्रि में ही इसको पटाने का काम करेंगे। देखते हैं क्या होता है।
चलिए दोस्तों, थोड़ी मशक्क़त के बाद अभी पानी चलना शुरू हो चुका है। वो सेक्शन जो होता है पाइप, उसमें पानी कम हो जाता है, तो उसमें फिर से हम लोग पानी को भरते तब स्टार्ट हो पाता है। तो 5-7 मिनट मेहनत करने के बाद स्टार्ट हुआ है। आधा में सिंचाई हो चुका है, आधा अभी होना बाकी है। ये पत्ती भी आ रही घास से निकली। आज भी आलू कोड़ने वाला कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए वो पहले घास लेने के लिए नहीं आ सकी थी। अभी शाम का वक्त हो चुका है, देख सकते हैं सूर्योदय बिल्कुल हो चुका है। ये माला भी घास काटने के लिए आ चुकी है। आज सुबह से प्रॉब्लम चल रहा है कुछ न कुछ, मेरी भी तबीयत डाउन है, विद्यालय में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, हो चुका था, इसलिए हम लोग वापस आ गए। अभी जा रहे हैं दूसरे घर पर, एक और घर है मेरा, वहाँ से चावल लाने के लिए। चावल समाप्त हो गया यहाँ पे इस घर पे, तो जो गांव वाला घर है वहाँ से चावल लाने के लिए मैं और माला अभी जा रहे हैं। ये हमारा मेन चौक है, और रात्रि के समय में लाइट रहने के बाद थोड़ा अच्छा दिखता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों का मेन चौक ज़्यादा रात तक खुला नहीं रहता, लेकिन अभी है 6:30 बजे, अभी है। दोस्तों ये मेरा घर है, और अभी हम लोग यहाँ से चावल लेके वापस चलेंगे। चावल अभी ले चुके हैं दोस्तों, और अब चलेंगे उस घर की ओर। दोस्तों घर पहुँच चुके हैं, और माला खाना बनाने लगी है। खाना बनाना शुरू कर दी। क्या बनने जा रहा जी? जा रही इतना सुना, आलू चाप बना देंगे। आलू चाप बनाइए अभी। चलिए दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें जय इजाजत। वंदे मातरम, भारत माता की जय।